मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले आप सभी को जय हिंद। एनएमसी ने एक गजट तैयार किया है, वो अपने वेबसाइट पर पब्लिश भी किया है उसको। तो ये जो गजट है, ये एक रूल्स रेगुलेशन है। गजट का मतलब एक रूल्स रेगुलेशन बना दिया जाता है, वो रूल्स बन जाता है, उस रूल्स का कोई नाम दे दिया जाता है। तो एनएमसी ने जो फॉरेन से एमबीबीएस करके इंडिया में आते हैं, तो उनके लिए ये रूल्स तैयार किए हैं। पहले ऐसा होता था कि पहले इंडिया से एब्रोड जो एमबीबीएस करने स्टूडेंट जाते थे, वो वहां एमबीबीएस करने के बाद में यहां आकर इंडिया में एफएमजी टेस्ट फाइट करते थे और उसके बाद इंटर्नशिप करके उनको लाइसेंस मिल जाता था यहां इंडिया में प्रैक्टिस करने के लिए। तो अभी इनमें कुछ संशोधन किए हैं। तो पहले कुछ दिन पहले मैंने भी एक वीडियो बनाया था, एक ड्राफ्ट आया था ये एफएमजी रेगुलेशन के रिगार्डिंग। उसमें कहा था कि जो स्टूडेंट एब्रोड से एमबीबीएस कर रहे हैं, यहां इंडिया में आने के बाद में 2 साल तक एफएमजी दे सकते हैं, सॉरी 2 साल तक नेक्स्ट एग्जाम दे सकते हैं, उसके बाद में उनका एग्जाम वैलिड नहीं होगा। तो वो रूल से अभी खत्म कर दिया है, उसका कोर्ट केस हुआ था, तो उसके रिगार्डिंग अभी कोई नोटिफिकेशन, कोई किसी प्रकार का रूल्स नहीं बना है, वो बिल्कुल खत्म हो चुका है। यानी कि वो एक ड्राफ्ट था, रेगुलेशन नहीं बना था वो। अभी जो एनएमसी ने एफएमजी, मतलब एफएमजी का मतलब जो एमबीबीएस कर रहे हैं एब्रोड से, उनको यहां इंडिया में एफएमजी बोलते हैं, तो उनके लिए रूल्स रेगुलेशन तैयार किए हैं। तो इस रूल का जो नाम दिया गया है, वो नाम है नेशनल मेडिकल कमीशन फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट लाइसेंस रेगुलेशन 21। तो ये इसका नाम है इस रेगुलेशन का, ये जो गजट पब्लिश किया है एनएमसी ने। अब इसमें क्या क्या कंडीशनें रखी हैं, सबसे पहले हम वो बात करते हैं। तो इसमें सबसे पहले कंडीशन ये रखी गई है, ये गजट आपको एनएमसी की वेबसाइट पर मिल जाएगा। जैसे ही आप एनएमसी की वेबसाइट ओपन करेंगे, वहां एफएमजी का एक टैब है, वहां क्लिक करेंगे तो भी वो रेगुलेशन मिल जाएगा, अदरवाइज आपको न्यूज सेक्शन में भी ये रेगुलेशन मिल जाएगा। तो इसमें जो कंडीशन रखी गई है, सबसे पहले इसके पॉइंट 4A के अंदर जो कंडीशन रखी गई है, वो कंडीशन है कि जो कोर्स ड्यूरेशन है वो 54 मंथ्स का होना चाहिए। मतलब ये है कि जो भी कैंडिडेट एब्रोड में एमबीबीएस के लिए जाता है, वहां एमबीबीएस की स्टडी करता है, तो वो स्टडी जब से वो एडमिशन लेता है तब से 54 मंथ की स्टडी होनी चाहिए। इंडिया की भी यही कंडीशन है, इंडिया में भी जो मेडिकल कॉलेजों में स्टूडेंट पढ़ रहे हैं उनका जो कोर्स ड्यूरेशन है वो 54 मंथ ही है अभी। अब जो फॉरेन से कर रहे हैं उनके लिए भी 54 मंथ ही रहेगा। अब यहां पर 54 मंथ ये रह गया, इसके बाद में जो वहां इंटर्नशिप होगी, जो 54 मंथ के बाद में वहां 12 मंथ की इंटर्नशिप करनी होगी। तो ये जो इंटर्नशिप होगी वो सेम इंस्टीट्यूट से होगी, जिस कंट्री से एमबीबीएस कर रहे हैं उस इंस्टीट्यूट से 1 साल की यानी कि 12 मंथ की इंटर्नशिप कंपलसरी है। पहले ऐसा नहीं होता था, वहां स्टूडेंट कोर्स करते थे, उसके बाद इंडिया में आके एफएमजी देते थे, उसके बाद इंडिया में इंटर्नशिप करते थे। लेकिन आपको 54 मंथ के बाद वहां 1 साल की 12 मंथ की इंटर्नशिप करनी होगी। यानी कि जब आप एब्रोड से एमबीबीएस कर रहे हैं तो इसमें 4.5 साल की स्टडी प्लस 1 ईयर का इंटर्नशिप, टोटल 5.5 साल आपको वहां भी स्टडी करनी है एब्रोड के लिए भी। इसके बाद जो कोर्स की लैंग्वेज होगी, जिसमें आप एमबीबीएस कोर्स पढ़ाई कर रहे हैं, जिस लैंग्वेज में, वो लैंग्वेज इंग्लिश होगी। ये क्लियर कट कह दिया गया है एनएमसी के द्वारा। इसके बाद जो सब्जेक्ट्स होंगे उसमें, इस सब्जेक्ट्स के लिए इसमें कहा गया है कि जो इंडिया में थ्योरी, प्रैक्टिकल, जो क्लिनिकल सब्जेक्ट्स होते हैं, जो उनकी स्टडी होती है उसके इक्विवेलेंट ही एब्रोड से जो एमबीबीएस करके स्टूडेंट आते हैं उनकी भी होनी चाहिए। सब्जेक्ट इस ड्राफ्ट में, इस गजट में अलग अलग दिए गए हैं। सब्जेक्ट्स में जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, इसके बाद में आपका कम्युनिटी मेडिसिन, इसके बाद में पीडिया
ओप्थाल्मोलॉजी, इसके बाद में इमरजेंसी और कंसल्टेंसी जो सर्विसेज हैं, लैब सर्विसेज हैं, तो ये सब्जेक्ट टोटल जो 13 सब्जेक्ट्स हैं इंडिया में भी इन्हीं की होती है, तो एब्रॉड से भी ये सब्जेक्ट उस स्टडी में इंक्लूड होनी चाहिए आपके एमबीबीएस में, तो ये सब्जेक्ट आपके इंक्लूड होनी चाहिए, ये सब्जेक्ट भी स्टडी में होनी चाहिए। इसके बाद में इसके 4 सेक्शन के बी पॉइंट पर दिया गया है कि आप जिस कंट्री से एमबीबीएस कर रहे हैं, एमबीबीएस कंप्लीट होने के बाद, आपकी डिग्री वहां उस कंट्री में कंप्लीट होने के बाद उस कंट्री के साथ में आपको रजिस्टर्ड होना होगा, यानी कि वहां की लाइसेंस के लिए आप इलिजिबल रहेंगे, वहां के लिए आप रजिस्टर्ड होंगे प्रैक्टिस के लिए, ये इसमें ये कंडीशन दी गई है। वहां की कंट्री में भी आपको रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है, वहां लाइसेंस के लिए रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है, ये पहले नहीं होता था। इसके बाद इंडिया में आने के बाद आपको नेक्स्ट एग्जाम या फिर जो एनएमसी द्वारा और कोई टेस्ट अगर लिया जाएगा तो वो आपको इंडिया में आके क्लियर करना होगा। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि आपको इंडिया में फिर से 1 साल 12 मंथ की इंटर्नशिप करनी होगी। आप एब्रॉड में तो इंटर्नशिप कर ही रहे हैं अपनी स्टडी के बाद, लेकिन इंडिया में आने के बाद नेक्स्ट क्लियर करने के बाद इंडिया के जो इंस्टीट्यूट हॉस्पिटल्स हैं वहां आपको इंटर्नशिप करनी ही होगी, ये भी कंडीशन दी गई है। तो ये इस प्रकार से इसके अंदर कंडीशनें दी हुई है इस गजट में। तो अगर कोई भी स्टूडेंट एब्रॉड से एमबीबीएस करना चाहता है तो ये सारी बातों का ध्यान रख करके फिर वो एब्रॉड में एमबीबीएस करने के लिए अच्छी यूनिवर्सिटी का चयन करे। अब इसमें ये जो रूल रेगुलेशन है ये कौन कौन से स्टूडेंट के लिए लागू है, तो ये जो गजट बना था ये गजट 18 नवंबर 2021 को बन गया था, ये रूल रेगुलेशन 18 नवंबर 2021 को लागू हो गए थे। तो जिन कैंडिडेट ने जो एफएमजी हैं 18 नवंबर 2021 से पहले के हैं उन पर ये रूल लागू नहीं होता है, ये जो रेगुलेशन है ये उन कैंडिडेट पर लागू नहीं होता है जो 18 नवंबर 21 से पहले या तो एब्रॉड से एमबीबीएस करके डिग्री ले चुके हैं या फिर वो 18 नवंबर 21 से पहले एडमिशन ले चुके हैं, फिलहाल एमबीबीएस की स्टडी कर रहे हैं एब्रॉड में, तो उनके लिए भी ये रूल लागू नहीं होता है। ये रूल लागू किसके लिए होता है, जो 18 नवंबर 2021 के बाद एब्रॉड में एमबीबीएस के लिए एडमिशन ले रहे हैं उनके लिए ये रूल लागू है। तो ये आपने अच्छी तरह से ये चेक कर लेना है कि कौन से कंट्री में कितने मंथ का ड्यूरेशन है। अभी यहां जो ड्यूरेशन के बारे में बताया गया है 54 मंथ का जो ड्यूरेशन बताया गया है स्टडी के लिए, ये कौन कौन से कंट्री में कितना कितना होता है वो मैं आपको यहां बता देता हूं, कौन कौन से कंट्री में कितना कितना ड्यूरेशन होता है, कहां कहां प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि वहां आपको 4.5 साल का कोर्स के साथ 1 साल इंटर्न, 5.5 साल वहां स्टडी करनी है, यहां आके नेक्स्ट एग्जाम देना है, 1 साल यहां इंटर्नशिप करनी है, तो आपकी 6.5 साल की स्टडी तो हो गई। उसके बाद आपको नेक्स्ट एग्जाम में कितना टाइम लगता है उसको फाइट करने में वो समय अलग है। अब मैं आपको कंट्री बता देता हूं कि कौन सी कंट्री में कितना समय लगता है एमबीबीएस कंप्लीट करने के लिए। तो सबसे पहले हम 5 साल वाली कंट्री की बात करते हैं जिनमें 5 ईयर्स में एमबीबीएस की डिग्री मिलती है और उसमें 1 साल इंटर्नशिप होती है। तो इसके अंदर चाइना, नेपाल, बांग्लादेश 3 कंट्री ऐसे हैं जहां 5 ईयर्स एमबीबीएस की स्टडी होती है और 1 साल इंटर्नशिप होती है, यानी कि आपको वहां 6 साल स्टडी करनी है, जो इंडिया ने नॉर्म्स दिया है उसी के अकॉर्डिंग वहां है, और फिर वो इंडिया में आके नेक्स्ट एग्जाम देके
फिर से इंटर्नशिप कर लेंगे। तो ये तीन कंट्री चाइना, नेपाल, बांग्लादेश, इनमें 5 साल का वहां स्टडी है। आप यहां आके एमबीबीएस का नेक्स्ट एग्जाम देंगे और उसके बाद में इंटर्नशिप कर लेंगे। तो इन कंट्री में तो कोई दिक्कत है नहीं आपको। उसके बाद में हम बात करें कजाकिस्तान और किर्गिस्तान की, तो वहां 5 साल की स्टडी है एमबीबीएस की, उसके बाद स्टूडेंट आ जाता है। तो वहां 5 साल करने के बाद में आप 1 साल इंटर्नशिप वहां और कर ले, उसके बाद में आप इंडिया में आके नेक्स्ट एग्जाम देके इंटर्नशिप करके यहां प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये तो हो गई किर्गिस्तान और कजाकिस्तान कंट्री की बात। अभी किसी किसी कंट्री में 6 ईयर का भी है एमबीबीएस। तो 6 ईयर का जो है एमबीबीएस वो है रसिया, बेलरस, इसके बाद में जॉर्जिया, यूक्रेन, ये 4 कंट्री हैं जहां 6 ईयर का वहां ऑलरेडी एमबीबीएस है। तो 6 ईयर का एमबीबीएस है, 1 साल की इंटर्नशिप करनी है या क्या, नेक्स्ट एग्जाम दो उसके बाद इंटर्नशिप करो, वहां भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक कंट्री है जहां प्रॉब्लम होगी आपको, वो है फिलीपींस। फिलीपींस में क्या होता है कि 2 साल का बीएस होता है और फिर 4 साल की एमबीबीएस होती है। तो ये 6 ईयर का वहां टाइम लगता है और फिर आप 6 ईयर का टाइम वहां करने के बाद में जो एमबीबीएस की स्टडी है वहां 4 साल की है। तो 4.5 साल के लिए वो कंट्री अगर करता है, उसमें आगे अमेंडमेंट करता है अपने स्टडी वगैरह में, तो वो बात अलग है। लेकिन आपने अगर फिलीपींस में जाना है तो इस बात का ध्यान रखें कि वहां 4 साल की स्टडी ही है एमबीबीएस की। 2 साल का कोर्स, 1.5 या 2 साल का जो कोर्स होता है वो बीएस के लिए होता है। फिलीपींस के कुछ इंस्टीट्यूट इंडिया में भी चल रहे हैं जो 2 साल की स्टडी करवाते हैं, उसके बाद में 4 साल फिलीपींस में जाके वहां एमबीबीएस की स्टडी करवाते हैं। तो आपने, मेरा कहने का मतलब ये है, जो मैं आपको ये रूल रेगुलेशन बता रहा हूं, ये इसलिए बता रहा हूं कि आप एब्रॉड जाने से पहले ये आप कन्फर्म कर लें कि उन यूनिवर्सिटी के अंदर ये जो कंडीशन गजट में दे रखी है वो पूरी की पूरी है या नहीं, इन नॉर्म्स का सभी का फॉलो होता है या नहीं होता है, ये सारी आपने पूरी जानकारी लेने के बाद में एब्रॉड से एमबीबीएस करें। कहीं ऐसा ना हो कि आप वहां एमबीबीएस करने के लिए जाएं और 54 मंथ की बजाय आपको 50 मंथ में ही अगर सर्टिफिकेट दे दिया जाए तो वो फिर आपके यहाँ इंडिया में वैलिड नहीं होगा। तो ये आपने ध्यान रखना है इस बात का। तो ये एक छोटी सी जानकारी थी, मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद ये था कि हर एक जो एफएमजी हैं या फिर एब्रॉड में एमबीबीएस करने के लिए इच्छुक हैं, उस स्टूडेंट को इस गजट का जरूर नॉलेज होना चाहिए। तो मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट के साथ नए वीडियो में, तब तक मैं हर्षाई चोपड़ा आपसे लेता हूं विदा। जय हिंद।